الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ورجل شاب نشا في عبادة ربي ورجل قلبه معلق في المساجد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما آمين. دو روزہ عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام چاند پور کلیا چک اس کو قروہ جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات اسلامی بزرگوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر خصوصاً ہم سب کے نبی آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللهم صل وسلم وبارك عليه। मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आपने बहुत ही शानदार खिताब बंगाली ज़बान में आपने सुना और उसके बाद आप मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी दोनों को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इतने ज्यादा एहसानात किए हैं, इतनी नेमतों से अल्लाह ने हमें और आपको नवाजा है कि हम और आप उन नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, काउंट करना चाहें तो हम उसको गिन नहीं सकते हैं, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने किसी भी नेमत के ताल्लुक से ये नहीं कहा कि मेरे बंदों, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी है तो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैंने तुम्हें पैदा किया बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं कहा। मैंने तुम्हें जिंदगी दी बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं कहा। मैंने तुम्हें जीने के लिए हवा अता किया, एहसान किया, नहीं कहा। हमने तुम्हें सूरज से रोशनी और उससे गर्मी हासिल करने के लिए हमने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी, नहीं कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदों, हमने ये सारी की सारी नेमतें दी लेकिन किसी भी नेमत के ताल्लुक से ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। लेकिन मेरे बंदों, मैंने एक ऐसी नेमत तुम्हारे तुम्हें दी है और इतना बड़ा मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर दिया है। तुम्हारी जिंदगी जानवरों जैसी कट रही थी, जैसे जानवर को न चलने का तरीका मालूम है, न जानवर को बैठने का तरीका मालूम है, न जानवर को खाने पीने पीने का तरीका मालूम है, जानवरों जैसी जिंदगी तुम काट रहे थे, लेकिन नहीं मेरे मोमिन बंदो, लकद मन्नल्लाह अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम। आई मेरे मोमिन बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम ही में से मैंने एक रसूल को, एक पैगंबर को, एक ऋषि मुनि को, एक दुनिया के अंदर डराने वाले को भेज दिया। बहुत बड़ा एहसान किया, रसूल को भेजा, ऋषि मुनि को भेजा, पैगंबर को भेजा, अलल मोमिनीन मोमिनीन के ऊपर हमने बड़ा एहसान किया। नबी अकरम जब दुनिया में नहीं आए थे और नबी अकरम को जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बनाया गया था, उस वक्त अरब की सरजमीन के अंदर उसे खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां भी रखी हुई थी और 360 मूर्तियों के लोग इबादत भी किया करते थे, 360 मूर्तियों के सामने अपने पेशानी को भी झुकाया करते थे, टेका भी लगाया करते थे, सजदे भी किया करते थे, नजर नियाज भी किया करते थे, चढ़ावा भी चढ़ाया करते थे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद आपने लोगों से यही कहा कि लोगों
ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा करना कितना बड़ा पाप है, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने मांगना, किसी और के सामने अपने हाथों को फैलाना, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने मोमिनीन के सामने, आपने लोगों के सामने अल्लाह के बारे में पेश किया, अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह के पावर के बारे में बताया, और आपने फरमाया कि लोगों ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुर्म ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, ये सबसे बड़ा पाप है। और किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह ये बताइए अय्यु ज़म्ब आज़म इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा। आपने जवाब दिया था अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह को छोड़ करके दरगाहों के सामने, पीरों मुरीदों के सामने, कब्रों के सामने, मजावरों के सामने जाकर के तुम सजदा करो, एक लगाओ, बेटा बेटी ना मिले तो कभी इस पीर के पास जाओ, कभी उस पीर के पास जाओ, कभी उस बाबा के पास जाओ, कभी उस बाबा के पास जाओ, ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाए, किसी को पार्टनर बनाए, किसी को अपना पार्टनर बना ले, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। आपकी बीवी जिससे आपने शादी की, आप उसको सब कुछ दें, सारी चीजें ला करके उसको दें, लेकिन आपकी बीवी आपके अलावा किसी और से भी इश्क लड़ाए, किसी और से भी प्यार करे, किसी और को भी अपने बिस्तर में बुलाए, किसी और के बाइक में बैठ करके एंजॉय करे, मस्ती करे, पार्कों में जा करके गले में हाथ डाल करके घूमे, बताओ कोई मर्द ऐसा हो, कोई शौहर ऐसा हो जो अपनी इस बीवी को और इस बदचलन औरतों को अपने बीवी बनाना बर्दाश्त करेगा, कोई अपने बीवी को अपने घर में रखना गवारा करेगा। हर कोई जवाब देगा मौली साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने बीवी को खिलाते पिलाते सारी चीज ला करके देते हैं, अगर मेरी बीवी यही हरकत करे, मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करे, प्यार करे, इश्क लड़ाए, किसी और को अपने पास बुलाए, हम ऐसी को अपने घर में एक मिनट भी रखना गवारा नहीं करेंगे, हम उसको धक्के मार करके बाहर कर देंगे, उसको मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे, उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे नहीं। ये छोटा सा गुनाह है, आपकी बीवी थोड़ी सी गलती कर रही है लेकिन आपकी नजर में कितना बड़ा पाप है। ये शिर्क आप बर्दाश्त नहीं कर रही है, शिरकत मोहब्बत में शिरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। यही फरमाया कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। अब बताओ 360 मूर्तियों की इबादत करने वाले को अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। 360 मूर्तियों की इबादत करने वालों के दरमियान में अल्लाह ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और भेजने के बाद आपने उनके सामने तौहीद का पैगाम रखवाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों से शिर्क को मिटाया, उनके दिलों से बिदातों को खत्म किया, उनके दिलों से दुनिया के खुराफात को और बुराइयों को उनके दिलों से हटा दिया। बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी अरब की सरजमीन के अंदर, उन अरब की सरजमीन के अंदर जो बुराइयां थी उन बुराइयों को अल्लाह के नबी ने एक एक करके खत्म किया, और आपने आकर के मोमिनीन के दरमियान अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। ये अल्लाह कह रहा कि मेरे बंदो हमने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया।
रसूल दे करके, ऋषि मुनि दे करके। आप बताइए रसूल के नक्श कदम पे चलने वाले या उलामा, अल उलामा वरसतुल अंबिया, कितनी बड़ी नियामत है उलामा। आज उलामा खत्म हो जाए दुनिया, कल अल्लाह ताला दुनिया को खत्म कर देगा, दुनिया को अल्लाह बर्बाद कर देगा, दुनिया को बाकी नहीं रखेगा। तुम्हें हलाल का तरीका कौन बताते हैं उलामा? तुम्हें हराम से बचने का तरीका कौन बताते हैं उलामा? अपने बीवी से मुलाकात कैसे करोगे ये कौन बताते हैं उलामा? नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे ये कौन बताते हैं उलामा? ये उलामा किन से सीखे? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। इसी वजह से अल्लाह कहता मेरे बंदो हमने नबी को भेज करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मालूम नहीं था किस तरीके से अपने बीवी के साथ रह जाए, अपने बच्चों के साथ रह जाए, अपने माँ बाप के साथ रह जाए, औरतों के साथ किस तरीके से जिंदगी काटी जाए, लोगों को मालूम नहीं था। नबी अकरम रहमतुल आलमीन बनकर किया है और अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनीन के ऊपर, औरतों के ऊपर भी बड़ा एहसान कर डाला। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान कहता अलल मोमिनीना इज़ा सफ़ीम रसूल आयाती। वो रसूल आए और रसूल ने लोगों के दरमियान कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान की आयतें लोग सुनते चले गए और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते चले गए। कुरान की आयतों के अंदर वो पावर है, कुरान की आयतों के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र हैं, कुरान की आयतों के अंदर ऐसी ऐसी बायात हैं, ऐसी ऐसी बातें कि कुरान की आयतें सुनते गए और वो कुफार इस्लाम लाते चले गए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हाथ के ऊपर बयात करते गए। कुरान की आयत को सुनने के लिए लोग बाकायदा कोई सुनता था कुरान की आयत हो तो ईमान ले आया करता था। जब काफिरों ने देखा कुरान सुनकर कि इस्लाम ले आता है, इस वजह से कुरान के ऊपर पाबंदी लगाने शुरू कर दी। जब अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ा करते थे लोग सीटियां मारना शुरू कर दिया करते थे। जब लोगों ने कुरान के ऊपर पाबंदी लगाने शुरू कर दी और लोग यही कहने लगे अरे वकाल الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران, वो लोगों इस कुरान को मत सुनो, इस कुरान से दूर रहो, इस कुरान को अगर तुम सुनोगे तो ये कुरान भाइयों भाइयों में जुदाई पैदा कर रहा है, बाप बेटे के दरमियान जुदाई पैदा कर रहा है। एहसान किया इतना बड़ा नबी को ला करके और नबी ने सब कुछ ला करके पेश कर दिया, लोगों के दिलों को पाक साफ किया, लोगों के दिलों के अंदर जो अल्लाह को अल्लाह के अलावा कोई और भी दिल के अंदर बैठा हुआ था उसको खत्म करवाया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दिल से बुग़्ज़ को, हसद को और इन तमाम बुराइयों को अल्लाह के नबी ने खत्म करवा दिया।